हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। इस वीडियो में मैं तुम लोग से बात करने वाला हूँ। जो भी सीएमए इंटर अक्टूबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, तुम लोगों का जो मॉक टेस्ट आया है इसको लेके अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है हर जगह। बच्चे परेशान, ठीक है, फैकल्टीज परेशान, फैकल्टीज इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न का कुछ करो। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया रिजिड फॉर्मेट्स दिए हुए तो उसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो सब चीज के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये कोड को ब्रेक करने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं तुम लोगों के सामने जो वीडियो बना रहा हूँ एज अ फैकल्टी तो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों का साइड तो बिल्कुल नहीं लूंगा। हर पॉइंट पे चीज ध्यान रखना। क्या होता है ना बेटा, अपनी जनता के माइंड को वो करने के लिए, अपने साइड लाने के लिए बस हाँ में हाँ मिलाने एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाउ टू विन ओवर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को ये बात पता होगा कि हाँ में हाँ मिलाने से सामने वाला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पर मैं जो चीज सही है उसको सही बोलूंगा और जो चीज गलत है, एक ही चीज गलत लगी मेरे को ओवरऑल, और वो एक ही गलत चीज बोलूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडियो बना के मैं इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ कि पेपर मॉक टेस्ट जो लाए हो आपने, जो लाया आपने और जो आप पेपर पैटर्न, मतलब जो अगर ऐसा लाने वाले हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी, मैं एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरी ये वीडियो इंस्टीट्यूट तक पहुंचेगी भी नहीं शायद, ठीक है। 2,000-4,000 जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा क्राउड है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कुछ पॉइंट समझाने के लिए। और ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ये भी बोल सकते हो, क्योंकि एक माइंडसेट चेंज की बात होती है, ठीक है। कभी मैं भी इस पोजीशन पे होऊंगा और मैं अगर तुम्हारे जगह होता तो मैं इस टाइम पे क्या कर रहा होता, मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली, और अगर तुमको अपना पेपर पैटर्न चेंज करवाना है और तुम सिर्फ उसी पर्पज से वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं, जाके इंस्टीट्यूट को मेल कर लो और ये वीडियो मत देखो, ठीक है। पर अगर तुमको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अपने फ्यूचर से रिगार्डिंग और तुम्हारा फ्यूचर इस माइंडसेट के वजह से कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक ना हो, तो इसलिए वीडियो मैं तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू डीकोड दिस मॉक टेस्ट पेपर बिकॉज इट इज सिंपली डीकोडेड ऑलरेडी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो सारे बच्चे उठा रहे हैं वो ये कि जो 50 मिनट्स की टाइम स्टैम्प है हमारे फर्स्ट 40 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स इधर और किधर गया 20 मार्क्स इधर, अरे भाई इसको अगले पेज में ले आते, कैसे कर रहे हो भैया टाइपिस्ट वाले भैया, ठीक है। यहां तक के जो तुम्हारा 20 मार्क्स का पोर्शन है, फिर यहां से तो तुम्हारा ये देखो यू आर आंसर 4 out of 6 क्वेश्चन, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट चालू हो गया। तो इस पोर्शन के लिए जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि 50 मिनट्स नहीं चाहिए, ये टाइम स्टैम्प को हटाओ, मैं बोला एक सेकंड, ये जो जो स्टूडेंट के क्वेश्चन दिखे ना, जो तुमको शुरू के 40 क्वेश्चन दिखे 40 मार्क्स के, इसको तुम लोग को करने में 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और ये बात अगर तुम लोग को नहीं पता है तो बिना पेपर को सॉल्व किए तो बोलना मत, जाके ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, लिटरली एक बार क्वेश्चन पढ़ो। भाई मेरे को 15 मिनट लगे मात्र, और मैं यहाँ पर मैं पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया हूं, मैं एकदम सच बता दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके ये देखना चाह रहा था कि 50 मिनट का टाइम कम है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और मेरे को 15 मिनट लगे मात्र। तुम लोगों को 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। बेस स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल एनपीओ का इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। बीच क्लास ऑफ अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट। भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल अकाउंट है? रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट का जुड़वा भाई है, पर्दा है भाई, ये एमसीक्यू तुम नहीं कर सकते। ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये एमसीक्यूज करने के लिए तुम लोगों को 50 मिनट का टाइम कम लग रहा है। एक बात बताओ, अपने आप को धोखा दे रहे हो क्या? सच्ची बताओ, अपने आप को धोखा दे रहे हो क्या? ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है, बिना पेपर देखे। ये देखो यहां पर आ जाओ, यहाँ पर ही तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर है, पेपर नंबर 8। मैं पर्सनली अपने ही दो पेपर उठाया हूँ, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8 उठाया हूँ, ठीक है। द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर मैंने सेपरेट नोट दिखाया था। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, मेरे जो फास्ट ट्रैक में डाल रहा हूँ उस पर भी मैं करवा के रखो। कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको मिला लो। मैं क्या लिखवा के रखूं, मैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब सारे इंडायरेक्ट है ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट ये तीनों को मिला दो तो क्या बनती, कन्वर्जन कॉस्ट। मेरे को एक बात बताओ भैया, मेरे 50 मिनट बेटा ज्यादा टाइम, डबल, जस्ट डबल टाइम है जितना टाइम तुम लोग को लगने वाला है। तो इसके ऊपर तो तुम लोग वैसे भी कुछ भी बोलने वाले हो तो मैं तो नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, ठीक है। अब तुम देख लो अपना, अगर तुम इतने भी केपेबल ऑफ नहीं हो तो इंटर का एग्जाम ही मत दो, एकदम हार्श रियलिटी बोलूंगा, ठीक है। तुमको वीडियो को डिसलाइक मारना, क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। मैं बस इतना बोल सकता हूं कि इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मैं तुमसे खुद एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एमसीक्यू तुम 20-25 मिनट में सॉल्व करो मैक्स टू मैक्स, इतनी प्रिपरेशन तुम्हारी होनी चाहिए। पहली बात हो गई भैया। दूसरी बात भैया, यस भाई, ये टाइपिंग पोर्शन बहुत सारा है तो क्या करें। तो मैं बताना चाहता हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम लोग को ये रियलाइज है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं बताता हूं इंस्टीट्यूट तुमको कहां पर जज करना चाह रहे हैं इतना सारा टाइपिंग पोर्शन देके। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग बोलते हो हमको सीएमए बनना है,
उसके बाद तुम बोलते हो हमको 10-15 लाख का पैकेज भी चाहिए, हम 4 लाख के पैकेज, तुम लोगों को पता है ना, चाहे एक सीए हो, मैं सीए भी बोल रहा हूँ, चाहे एक सीएमए हो, तुम्हारा पैकेज एज लो एज 3-4 लाख भी हो सकता है पर एनम। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर तुम्हारा पैकेज 3 लाख पर एनम है, इसको मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तुम सिर्फ 25,000 पर मंथ कमाओगे, 25,000 रुपए पर मंथ ओनली बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमारे डिग्री के अकॉर्डिंग ये ओनली होता है, पर ये हो सकती है। ये सिचुएशन कब आएगी पता है? व्हेन यू हैव द डिग्री ऑफ सीएमए और सीए बट यू आर रनिंग आउट ऑफ स्किल्स। मैं तुमको भाई पहले दिन, तुम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने जा रहे हो या तुम जॉब के अप्लाई किया, तुमको कंप्यूटर में विंडोज 11 बैठा दिया और मैं बोला एक काम ऐसे से कर देता, एक्सेल शीट बना के दे दी, तुम बोल रहे ये तो मेरे को आता ही नहीं है। और मान लो एक्सेल शीट तुम खोल भी लिए, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड इतनी स्लो है कि मैं जो तुमको काम 1 घंटे में करने के लिए दिया था तुमको 10 घंटे लग रहे हैं, बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ योर टाइपिंग स्पीड, तुमको टाइपिंग स्किल्स नहीं आती है। तो इस सिचुएशन में इंस्टीट्यूट को आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से पता है ना, वो बिना सोचे समझे तो ये काम किए नहीं होंगे, तो वो तुम्हारी टाइपिंग स्पीड जरूर इंप्रूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज यहाँ पर डाली गई है, ठीक है। तो इस, और ये एक प्रॉब्लम है, इसका मैं सोल्यूशन भी बताना चाहूंगा कि हाँ, दो चीज जो मेरे को लगा कि गलत हुई है वो ये, पहला कि नोटिफिकेशन आने में बहुत डिले, एटलीस्ट अगर ये माहौल होने वाला था, ये एमटीपी अगर होने वाली थी तो मुझे पर्सनली एज अ स्टूडेंट 6 महीने पहले ये बात पता होनी चाहिए थी। तो ये पहला पॉइंट मेरे तरफ से तुम लोग के फेवर में कि ये बात करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टाइपिंग एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूंगा मेरे को अपनी स्किल डेवलप करना है, मैं दूंगा टाइपिंग एग्जाम, मैं लाइब्रेरी जाके बैठूंगा, मैं दोस्त के घर में बैठूंगा, मैं साइबर कैफे जाके बैठूंगा, मेरे घर में नहीं है सिस्टम पर मेरे पास तरीके भी है, 10 रुपए में बैठ सकता हूँ आधा घंटा जाके साइबर कैफे, अपने दोस्त के घर जा सकता हूँ। तो हाँ, पर एक चीज प्रॉब्लम है कि ये बात मेरे को 2 महीने पहले पता चली एग्जाम के, वो अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरे लिए रिविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 2 मंथ्स मैं रिविजन करूंगा ना कि मैं टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करूंगा। तो ये एक चीज गलत है, और इसका सोल्यूशन भी यही है कि इंस्टीट्यूट को तुम ये बोल सकते हो, रिक्वेस्ट करते हुए, बेटा रिक्वेस्ट करते हुए ये बोला कि प्लीज टू आवर मदर इंस्टीट्यूट कि आप स्कैन एंड अपलोड का ऑप्शन रखो। स्कैन एंड अपलोड ऑप्शन क्या होगा कि जो भी तुम लोग सॉल्व करोगे या आंसर लिखोगे, जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसको तुम लोग स्कैन कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। तो दैट इज गोइंग टू बी अ रियली बेनिफिशियल, क्योंकि फिर वो एक ही बात हो जाएगी, तुम टाइप कर रहे हो या तुम स्कैन अपलोड कर रहे हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। तीसरी बात, 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होगा, भाई कौन बोला? डिफिकल्टी लेवल मैं बताऊं पेपर का, ये मॉक टेस्ट मैंने चेक किया, बच्चे बोल रहे पेपर डिफिकल्ट है मॉक टेस्ट, अरे भाई मेरे 10 में से 6 रैंक दूंगा मैं, 6, ठीक है, इसको 8 भी नहीं क्रॉस कर रहा हूं मैं, 10 out of 6 है। जिस लेवल की तुम प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, उस लेवल की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग 10 out of 6 पे पेपर, कोई पेपर टफ नहीं है, पेपर लेंदी भी नहीं है, बताओ ना कहां लेंदी है पेपर भाई, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लो, ये देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं? एक्स वाई जेड परचेज गुड्स, सॉरी मेरी बैटरी लो हो गई है इसलिए मैं इस पे राइट नहीं कर पा रहा, एक्स वाई जेड परचेज गुड्स ऑफ 20 लाख रुपए अक्टूबर टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 75% ऑफ द स्टॉक सोल्ड हो चुका है, इसका 75% स्टोल हो चुका है, कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख रुपए, कंपनी 5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाह रही है, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 5.5 लाख है और कमीशन 10% ऑन सेल इज पेबल है टू द एजेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आपको क्या करना है, आपको 10% हटा देना है यहां से, इससे भैया जी 5 लाख में से माइनस कर दो 10%। तो ये चीज ध्यान रखना यहां पर, सॉरी 5,50,000 है ना, हाँ हाँ 5,50,000 में से माइनस कर दो 10%, तो 4,95,000 ये मेरी एक नेट वैल्यू हो गई, और दूसरा 5 लाख कॉस्ट, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी तुम्हारी 5,50,000 है, कॉस्ट 5 लाख की है, ठीक है, तो 5,50,000 में से अपना सेल्स कमीशन हटाओ तो 4,95,000 हो गया, कॉस्ट 5 लाख है, विच एवर इज लोअर। मेरे को एक बात बताओ, इसको करने में तुमको कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो यही चीज, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, बताओ 2 मिनट इज इक्वल टू 2 मार्क्स है तुम्हारे एग्जाम में भाई, तो 60 मिनट का एग्जाम है। वैसे मैं तुम लोग एक थंब रूल बता रहा हूँ, एक थंब रूल है, मतलब क्लास 12th से मैं यूज करता हूँ, कि जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसको इंटू 2 कर दो, उतने मिनट में तुमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तुम्हारा एक बेंचमार्क होता है। जैसे मान लो ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है, किसका क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, हाँ, फायर इन द प्रीमाइसेस ट्रांसफर टू द बैलेंस एडवांस, द एडवांस अगेंस्ट कमेंट अपॉन द
अब है PQR विद द रेफरेंस टू, अच्छा AS9 का क्वेश्चन है, ओके AS9 से रेफरेंस पे आपको इसके ऊपर कमेंट पास कर देना है। AS9 क्या बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बेसिस पे, कि आग लगी भाई रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके ऊपर तुमको पूरी थ्योरी मारनी है, ठीक है, केस को पढ़ के। पहले तुमको प्रोविजन लिखना होता है, प्रोविजन लिखने के बाद तुमको केस डिस्क्राइब करना है, केस डिस्क्राइब करने के बाद तुमको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में, पर ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लॉ के लिए भी और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके लिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 × 2 12 मिनट के अंदर तुमको एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ऑफ कोर्स सॉल्व तो दिमाग में करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर तुमको इसको लिखना भी है। तो ओवरऑल मोटा मोटा ये देखो, लिव द सिग्निफिकेंट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम 4 मार्क्स में है, 8 मिनट में तुमको ये 5 पॉइंट टाइप करना है। तुम्हारी टाइपिंग स्पीड आइडियली, इस पेपर को मैंने टेस्ट भी कर लिया है, ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं पेपर सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है, पर मैं टेस्ट करके देखा है ऐसे जनरली, मतलब एक 2-3 क्वेश्चन को ऐसे रन आउट करके देखते हैं ना, है ना, कि कितना टाइम लग रहा है। तो तुम्हारी टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 50 करेक्ट वर्ड्स पर मिनट ना, 50 वर्ड्स करेक्ट मिनट का मतलब वही होता है कि तुमको करेक्ट वर्ड लेने हैं। तो 50 करेक्ट वर्ड पर मिनट अगर आप चल रहे हो तो उस सिचुएशन, अब ये देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन, ये देखो अब इसमें तुमको क्या करना है, नाम भरने हैं, अमाउंट्स भरने हैं। ओवरऑल यही बोल रहा हूँ कि एक चीज के बिल्कुल अगेंस्ट में हो, कि 2 महीने पहले पता चला तो मैं बिल्कुल ही मेंटली, साइकोलॉजिकली और टाइपिंग स्पीड के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर नहीं हुई इस एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो मैं एग्जाम को ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और बाई चांस मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करना पड़े तब तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज के लिए डेफिनेटली आप इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हो, मैं इस पे हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रिक्वेस्ट वीडियो भी बनाऊंगा इंस्टीट्यूट तक, वो पहुंचेगी नहीं, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूं, ठीक है। तो वही इंस्टीट्यूट को मेल करो, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, हेल्प डेस्क को मेल करो कि भैया ऐसा पैटर्न हमको नहीं, और आई थिंक डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम अप विद अ स्मॉल चेंजेस इन दिस पेपर पैटर्न, क्योंकि अभी एकदम मस्ट रिक्वायरमेंट टाइप का लग रहा है। तो इस सिचुएशन में तो तुम लोग के फेवर में हूं मैं, बट अपकमिंग अटेम्प्ट में अगर ये पेपर पैटर्न होता है तो मेरे को इस पेपर पैटर्न में कोई बुराई नहीं लग रही है। तुमको अपनी स्किल डेवलप करनी है, अपने अंदर की कमियों को मत दिखाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए टाइम कम है, उस चीज पे मैं एग्री कर रहा हूं, पर अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए आई जेन्युइनली डेफिनेटली वांट कि हाँ ये पेपर पैटर्न कंटिन्यू हो, बट थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए तो बेटर होगा। मतलब ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ओपिनियन है ना। टाइपिंग स्पीड तुम लोगों को बढ़ानी है अभी से। तुम लोगों को बड़े पैकेजेस कब मिलेंगे, मैं पहले भी बता दिया हूं, 3 लाख 4 लाख से तुम 40 लाख तक भी जा सकते हो, डेफिनेटली तुम जा सकते हो 4 लाख से 40 लाख का सफर। इसके बीच में कौन से स्लैब में तुम जाके बैठने वाले हो वो तुम डिसाइड करोगे अपनी स्किल और टैलेंट के अकॉर्डिंग। और मैं तुमको कहीं पर बैठा रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तुम लोग को, एकदम जेन्युइन स्टोरी मैं तुम लोग को बताता हूं। एक बच्चे का क्लास नहीं चल रहा था, वो मेरे से क्लास परचेज कर, तो मैं उसको बोला भाई एनी डेस्क कनेक्ट कर दे, तो बोला सर एनी डेस्क क्या होता है, तो मैं बोला भाई एनी डेस्क जिससे मैं अपने घर में बैठ के तेरा कंप्यूटर चला सकता हूँ, बोला सर ये तो सिक्योरिटी इशू है सर, आप मेरा कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहे हो। फिर उसके बाद वो एनी डेस्क ले देकर डाउनलोड किया और जैसे ही उसको दिखा कि भाई यहां से मैं माउस से उसका कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा हूं, उसकी हालत खराब हो गई भाई। वो बोला अरे सर ऐसा कैसे हो गया सर, आप कैसे कंट्रोल कर ले रहे हो सर, ये कैसे हो गया, मतलब ऐसा क्या दबाए हम लोग की वो हो गया। तो मैं उसको समझाया बेटा एनी डेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जनरली कंपनीज में यूज होता है, तुम फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर में इंजीनियर को नहीं बुलाओगे, बार बार ऊपर नीचे डांस नहीं करता रहेगा वो, तो और एक हेड ऑफिस से तुमको अगर ब्रांच की किसी बुक को एक्सेस करना है या जो भी चीज है, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर से तुम इस चीज को कर सकते हो। तुम यू आर जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस थ्रू माउस, और तुम सामने देख सकते हो कि वो इंसान कर क्या रहा है तुम्हारे सिस्टम में, तो वो चीज। बट पॉइंट ये है कि स्टिल तुम बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नॉलेज होगा, बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज होगा, बहुत सारे बच्चों की टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी वैसे हैं जिन लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको विंडोज 7, 8, 10 ये सब के डिफरेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और लिटरली ऐसे बच्चे हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम CMA, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम CA, सो दैट्स वाई हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है उनको कम फॉरवर्ड करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजों से जिनको वो कंपलसरी कर दे, लाइक स्किल ट्रेनिंग, SAP ट्रेनिंग होती है CMA में, IT/OT की ट्रेनिंग होती है CA में, ताकि बच्चा सीखे कि करते कैसे हैं। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि जरूरी है। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात को तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस वो जिस नोटिफिकेशन का टाइम जो है वो पहले 4 महीने पहले होना था आज से, 6 महीने पहले होता तो मैं आराम से अपने आपको मेंटली भी प्रिपेयर कर लेता, फिजिकली भी प्रिपेयर कर लेता, अब टाइम जो है लेट हो गया, तो इस वजह से क्या बोल सकते हैं इस चीज में। तो बस वही बताना चाहता था, तो जस्ट अ रियलिटी टेस्ट, और तुम लोग ये बोलना चाहता था कि पैनिक तो मत ही करो, सबसे पहला काम एक कर लो, मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व कर लो ऐसी ऑफलाइन पैटर्न में, ठीक है। ऑनलाइन पैटर्न होगा कैसे होगा, एग्जाम कहाँ जाके देना है, सेंटर में देना है, जो भी है, बट सबसे पहले इसको ऑफलाइन ही पहले सॉल्व कर लो, पहले ये तो देखो 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि पेपर अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है, एकदम जेन्युइन बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है, तो एक बार पहले अपने कॉपी में ही इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। लैपटॉप वैपटॉप सब साइड में रखो, बिना देखे भाई पेपर ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये मेरे को एक प्रॉब्लम लगी, आंसर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर नहीं होना था, आंसर अलग से देना था,
पर अब क्या कर सकते हैं, तो तुम लोग कुछ भी करो, आंसर को छुपाओ या जैसा भी करो, आंसर मत देख भाई ऑलरेडी सॉल्व पेपर को। और अगर तुम लोग बोलोगे भैया यू कम अप लाइव टू सॉल्व दिस ऑल पेपर्स, तो मैं तुमको एकदम फ्रेंकली बोलूंगा मैं सॉल्व पेपर को सॉल्व करके क्या करूंगा। अगर ये पेपर सॉल्व नहीं होता तो मैं एक बार सोचता भी कि हाँ चलो सॉल्व करा देते हैं, एटलीस्ट अपने दो पेपर तो करा ही देते हैं, पेपर नंबर 5 और 8। मैं तुम लोग का FM भी करवा देता, FM मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, FM करवा देता, ऑडिट भी करवा देता, सॉल्व कंपनी अकाउंट भी करवा देता सॉल्व। बट पॉइंट ये है कि जो पेपर ऑलरेडी सॉल्व है उसको मैं सॉल्व करवा के क्या करूंगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर कि तुम लोग खुद सॉल्व करो। हाँ कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो ना टेलीग्राम में, ठीक है, बस यही तुम लोग को बोलना था। और सबसे बड़ी बात, पैनिक मत करो, पैनिक करके तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में तुम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो, कमेंट्स करने में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, वीडियोस देखने में बहुत, मत करो भाई। तुम लोग पता चला लास्ट में इंस्टीट्यूट बोले कि हाँ भाई पैटर्न चेंज कर रहे हैं हम थोड़ा सा तुम्हारे फेवर के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद तुम लोग इधर वो गए। पैनिक मत करो, अपनी रिवीजन पहले खत्म करो, उसके बाद करते रहना ये सब। सबसे पहला मैं तुमको फर्स्ट प्राइमरी टारगेट ये दे रहा हूं, अपना रिवीजन खत्म कर लो, उसके बाद कुछ भी करना। रिवीजन अपना फटाफट से खत्म कर लो, पूरा पैकअप करो ग्रुप वन को अच्छे से, पूरा पैकअप करो कि हाँ भाई मैं तुमको एकदम डेडलाइन दे रहा हूँ सेप्टेम्बर एंड तक तुम्हारा ग्रुप वन ऐसे पैकअप होना चाहिए कि यू आर कम अप इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसे बोल के भैया जो क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ लो, ग्रुप वन का हर आंसर मेरे अंदर से बाहर आए, ऐसा प्रिपरेशन अपना खत्म कर लो। फिर उसका एग्जाम कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, किस ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। जो चीज अपने हाथ में नहीं होती है ना उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बोला ना मैं अभी तुम लोग को दिखा नहीं सकता अपना नोशन खोल के, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे नोशन में एक इम्पॉसिबल लिस्ट नाम का सेक्शन है, सच्ची बता रहा हूं, है ना, इम्पॉसिबल लिस्ट। और उस इम्पॉसिबल लिस्ट के अंदर मैं वो चीजें लिखता हूं जो मेरे हाथ में नहीं होती और मेरे कंट्रोल में नहीं होती वो चीजें मैं वहां पर लिख के रखता हूँ कि इम्पॉसिबल आइटम्स। तो उसमें मैं सारी चीजें, जैसे अगर मैं तुम लोग की जगह होता तो मैं इम्पॉसिबल आइटम में ये लिख देता, एग्जाम पैटर्न मैं लिख देता, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज करना मेरे हाथ में नहीं, इंस्टीट्यूट के हाथ में। मैं बस रिक्वेस्ट करके भूल सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने अपनी तरफ से एक मेल डाल दिया है, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया इंस्टीट्यूट को कि प्लीज मैं इस पैटर्न के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं अभी एग्जाम नहीं दे सकता, तो आप थोड़ा एमसीक्यू पोर्शन को बढ़ा दो या फिर जैसा भी, पर थोड़ा फेवरेबल कर लो इसको हमारे लिए। मैं ये चीज बोलता हूँ, उसके बाद मैं अपने रिवीजन में लग जाता जैसे मैं पहले कर रहा था। पर तुम लोग भाई रिवीजन दुनिया जहान छोड़ छाड़ के पूरा लग गए हो, और कुछ होशियार बच्चे, मैं बता रहा हूँ मेरे ही स्टूडेंट्स है ना, वो लोग इतना मैच्योरली बिहेव किए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सेम पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों का भी है, इतना मैच्योरली भाई उन लोगों सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करके बैठ गए, सोच लो। और मेरे ही स्टूडेंट्स है, मैं बता रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं तो अंगुलियों में क्या बताऊँ, 30-40 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं, 30-40 स्टूडेंट ऐसे जो मेरे साथ कनेक्शन में है, और लोग मेरे से कुछ डाउट भी पूछे एमटीपी का, इसलिए मेरे को पता है। तो मैं लोग से पूछा कि तुम लोग सॉल्व कर लिए, तो तुम लोग बोले हाँ भैया हम लोग ऑलमोस्ट 7 पेपर हो ही गए, सॉल्व 1 पेपर बचा है। भैया टाइम क्या वेस्ट करे, एक सुबह एक शाम, सुबह शाम करके हम लोग कर लिए सॉल्व, ऑफलाइन बेसिस पे ही किए, ऐसे ही नॉर्मल सॉल्व किया, फिर हम लोग मार्क्स इवेल्युएट किए, तो इट्स डिसेंट 70-80 अबव मार्क्स, वी आर गेटिंग अ डिसेंट। उन लोग क्या किए मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, अपने कंप्यूटर में उस पे वो किए, स्क्रीन शॉट लिए क्वेश्चन का, उसको स्निपिंग टूल से स्नाइप कर दिए और सारे आंसर्स को छुपा दिए, ये तरीका है उन लोग का, सारे आंसर्स को छुपा दिए, फिर उसका एक PDF बना के उसका प्रिंट आउट निकाल लिए, और जैसे एग्जाम में बैठते 3 घंटे के लिए वैसे बैठ गए, पूरा पेपर सॉल्व कर लिए, तो उससे क्या आंसर भी छुप गया, तो आंसर के ऊपर नजर भी नहीं गई, ठीक है, क्योंकि आंसर तुम लोग स्नाइप कर सकते हो क्वेश्चन को। ये देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे, ये देखो क्वेश्चन को तुम यहां से यहां तक क्रॉप करके स्नाइप कर लो, क्रॉप कर लो, और इसको एक अलग PDF में सेव कर लो, आंसर को मत करो, ऐसे करके तुम लोग पेपर दे सकते हो। तो डेफिनेटली एक तरीका है, तो वो तरीका मैं तुम लोगों को भी बता दिया, अच्छा लगा मेरे को ये तरीका। पर तुम लोगों से, तुम्हारे ही लेवल के लोग तुम लोग से आगे भाई, 8-8 MTP सॉल्व करके बैठ गए, सोचो। तो वही चीज मैं तुम लोगों को भी बोलना चाहूँ कि ऐसे ही करो स्ट्रैटेजी, तुम लोगों के बराबरी के लोग, जो उन लोग के हाथ में नहीं तो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुम लोग यहीं छूट जाओगे, यही सब अफेयर्स में रह जाओगे, फिर अटेम्प्ट लग जाएगा तो फिर उल्टा और परेशान। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, और ज्यादा पैनिक मत करो, ओवरलोड मत करो, देखते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है सारी चीजों का। वॉट वी कैन डू राइट नाउ इज जस्ट वेटिंग, और ये वेटिंग का टाइम हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता ही देना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।